हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्योरेंस बेस्ड क्वेश्चंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। और ये क्वेश्चंस एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क और दूसरे सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे फ्री ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं examinee.in वेबसाइट पर जाके। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है कि जैसे हम एक ऐसे लिखते हैं और ऐसे का एक बाद में हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, उसका एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें इन्फेरेंस पहले दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, निष्कर्ष इसमें पहले दिया गया है, कंक्लूजन इसमें पहले दिया गया है। और यहाँ पर तीन सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये है फर्स्ट सेंटेंस, ये है सेकेंड सेंटेंस और ये है थर्ड सेंटेंस। सेंटेंस इनको आप मान सकते हैं या पैराग्राफ मान सकते हैं, बेसिकली दे आर द पैराग्राफ्स, सेंटेंस नहीं है ये, पैराग्राफ्स हैं और पैराग्राफ्स ही होते हैं नॉर्मली एग्जाम में भी। तो ये जो इन्फेरेंस है, तो ये इन्फेरेंस जो निकलेगा ये किस पैराग्राफ से आप निकाल सकते हैं, क्या इससे निकाल सकते हैं, क्या इससे निकाल सकते हैं, क्या इससे निकाल सकते हैं, क्या इन दोनों से निकाल सकते हैं, क्या इन तीनों से निकाल सकते हैं। तो जिन जिन पैराग्राफ से आप ये इन्फेरेंस निकाल सकते हैं उसका कॉम्बिनेशन आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, इन्फेरेंस सिटी इन शेम्बल्स। देखिए, सबसे पहले आपको इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए और बैंकिंग एग्जाम्स में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका आपका रीडिंग आपकी रीडिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और आपका कॉम्प्रिहेंशन कि आप समझ सकें उसको कि इसमें इसमें क्या बोला जा रहा है। तो इन्फेरेंस सिटी इन शेम्बल्स, तो इसमें सिटीज़ की बात हो रही है, शहरों की बात हो रही है। और शेम्बल्स का मतलब होता है कोई भी चीज़, एनी थिंग दैट इज़ इन कम्प्लीट डिसऑर्डर, जो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है, जो पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं है, डिसऑर्डर में है, दैट इज़ कॉल्ड इन शेम्बल्स। तो सिटी इन शेम्बल्स एक कंक्लूज़न निकाला गया है। अब ये कहाँ से इसको आप निकाल सकते हैं, किस पैराग्राफ से इसको आप निकाल सकते हैं। देखिए, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 650 सिटीज़ इन इंडिया हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख, वेयर द गवर्नमेंट इज़ ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड प्रॉपर सैनिटेशन, ड्रेनेज, हेल्थ केयर सिस्टम एंड एडिक्वेट इन एन एडिक्वेट मैनर। इसमें हम क्या बता रहे हैं, इसमें हम ये बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर 650 सिटीज़ हैं और इन 650 सिटीज़ के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको देना होता है सैनिटेशन की सुविधाएं देना होता है, ड्रेनेज की सुविधाएं देना होता है, हेल्थ केयर सिस्टम, इन सभी चीज़ों की प्रॉपर फैसिलिटी एक गवर्नमेंट को देनी होती है। तो इसमें तो हम एक सजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हम ये नहीं बता रहे हैं कि सिटी जो है शेम्बल्स में। और इसके अलावा इसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है, क्योंकि शेम्बल्स यदि हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक रिलेटेड निगेटिव वर्ड भी होना चाहिए। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, द सिटीज नाउ एपिटोमाइज एरियाज वेयर इन द इनहेबिटेंट्स वेदर रिच और पुअर आर बाउंड टू फेस द स्कर्जेस ऑफ एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन, एयर पॉपुलेशन, कंटेमिनेटेड वाटर सोर्सेज, इनटॉलरेबल नॉइस एंड इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि भारत के जो शहर हैं उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उसमें कंटेमिनेटेड वाटर है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, एक्सप्लोडिंग पॉल्यूशन है, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पर्याप्त ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, इनटॉलरेबल नॉइज़ है, एक ऐसा नॉइज़ है शहरों में जिसको आप सहन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सिटी इन शेम्बल्स, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के बेस पर आप इस कंक्लूजन को निकाल सकते हैं। अब थर्ड वाला देखिए, नथिंग कैन बी डन विदाउट द कॉपरेशन ऑफ द जनरल मासेस, मतलब पब्लिक के कॉपरेशन के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो इसमें तो सिटी की कोई बात नहीं हो रही है। इसके अलावा फर्स्ट और सेकेंड जो क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकेंड जो पैराग्राफ्स हैं उसमें कुछ सजेशंस दिए गए हैं। एक्चुअली ये इट इज़ मोर ऑफ ए सजेशन, जैसे इसमें दिया गया है एक सजेशन और इसमें दिया गया है एक सजेशन, लेकिन सिटीज शेम्बल्स में है वो केवल इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इस तरह के क्वेश्चंस इस समय पूछे जा रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, बैंक पीओ और क्लर्क दोनों ही एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, गेमिंग इज अ सीरियस बिजनेस टू, मतलब गेमिंग जो है वो एक सीरियस बिजनेस है, उसको लाइटली मत लीजिए, वो एक सीरियस बिजनेस है। तो ये एक इन्फ्यूरेंस है। अब इस इन्फ्यूरेंस को आप कहाँ से निकाल सकते हैं, इसको हम पढ़ते हैं।
द ईयर 2018 सॉ द गेमिंग इंडस्ट्री राइज टू ए वॉपिंग 1379 बिलियन एंड इट इज़ प्रिडिक्टेड टू हिट 180 बिलियन डॉलर बाई 2021 विच जस्ट शोज द ह्यूज पोटेंशियल इन द इंडस्ट्री टू बी टैप्ड। अब देखिए यहाँ पर एक कीवर्ड आया है ह्यूज पोटेंशियल, गेमिंग इंडस्ट्री में एक ह्यूज पोटेंशियल है इसलिए एक सीरियस बिजनेस है। तो यहाँ से इसको आप निकाल सकते हैं, ये एक पैराग्राफ इसका कंक्लूजन आप ये हो सकता है, इस पैराग्राफ का कंक्लूजन ये हो सकता है। दूसरा हम देखते हैं, अ मेजोरिटी ऑफ गेम्स इन इंडिया हैव डेल्ट विद क्रिटिसिज्म फ्रॉम देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स, नहीं ये नेगेटिव पॉइंट है। द वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री इज ए जगरनॉट ऑफ डेवलपमेंट, जगरनॉट का मतलब होता है अनस्टॉपेबल फोर्स। तो इसमें भी हम वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री की पावर के बारे में बता रहे हैं, स्मार्टफोन्स वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी आर मेजर ड्राइवर्स फॉर गेम हार्डवेयर, तो इसमें भी हम ये बता रहे हैं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, इसमें सेकेंड इसमें लॉजिकल नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में फर्स्ट और थर्ड दिया गया है। इसमें भी हमने गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बात की है, इसमें भी हमने गेमिंग इंडस्ट्री का क्या पोटेंशियल हो सकता है उसके बारे में बात की है, लेकिन इसमें हमने सेकेंड वाले सेंटेंस में हमने गेमिंग इंडस्ट्री का क्या एक दूसरा आस्पेक्ट है उसके बारे में बात की है। अ मेजोरिटी ऑफ गेमर्स इन इंडिया हैव डेल्ट विद क्रिटिसिज्म फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जो गेमर्स हैं उनको अपने पेरेंट्स की तरफ से क्रिटिसिज्म को फेस करना होता है। तो इसमें हम थोड़ा सा कुछ नेगेटिव आस्पेक्ट की बात कर रहे हैं और ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो फर्स्ट सही है और थर्ड सही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स एज एन एम्पावरमेंट टूल, स्पोर्ट जो है एक एम्पावरमेंट टूल है, वो आपको पावरफुल बनाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं, स्पोर्ट्स प्रोवाइड अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर गर्ल्स टू लर्न अ न्यू स्किल, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक सही है, ये एक लॉजिकल है। व्हेन गर्ल्स एग्जिस्ट टू द मार्जिन्स ऑफ प्ले दे लर्न दैट पब्लिक स्पेसेस बिलोंग टू मैन, नहीं इसमें कुछ अलग बात बोली गई है। इसमें देखते हैं, व्हेन स्पोर्ट इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर स्टाइल्स ऑफ लर्निंग लाइक वर्कशॉप्स मेंटरिंग एंड गर्ल्स ओनली सेफ स्पेसेस डिस्कशन, इट्स वैल्यू इज ट्रूली रियलाइज्ड। इसमें भी कुछ और ही बात की गई है, ठीक है। तो इसमें केवल फर्स्ट आपका सही है आंसर, ठीक है, इसमें फर्स्ट सही है, सेकंड और थर्ड इसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इनको देखिए, और कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो इसको आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं नीड फॉर सैनिटी इन पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स के अंदर एक सैनिटी, एक सेंसिबिलिटी होना चाहिए, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट और इस तरह की लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नीड फॉर सैनिटी इन पॉलिटिक्स, दोज हु क्लेम टू लीड द मासेस मस्ट रिजोल्यूटली रिफ्यूज टू बी लेड बाई पीपल इफ द मासेस ओपिनियन डजेंट कमेंड इट सेल्फ टू द लीडर्स रीजन। इन द करेंट पॉलिटिकल एरा ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स, देखिए यहाँ पर एक कीवर्ड है अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स, यानी उसमें सैनिटी की ज़रूरत है, उसमें सेंसिबिलिटी की ज़रूरत है। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स फाइंड इटसेल्फ प्रिजनर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड द कॉरपोरेट माइंडसेट, बोथ ऑफ विच सफर फ्रॉम अ सीरियस एब्सेंस ऑफ लैक ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ से भी एक कंक्लूजन निकल रहा है कि नीड फॉर सैनिटी की ज़रूरत है इसमें, इसमें फर्स्ट नहीं है, सेकेंड और थर्ड इसमें आपके आंसर होंगे। एक बार फिर से देख लेता हूँ इसको मैं, पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स फाइंड इट सेल्फ प्रिजनर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक प्रिजनर है, एंड द कॉरपोरेट माइंडसेट, पॉलिटिक्स का जो माइंडसेट है वो कॉरपोरेट माइंडसेट है, यानी उसमें सैनिटी नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड इसमें सही हैं, ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। फर्स्ट वाला जो है ये आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है, दोज हु क्लेम टू लीड द मासेस मस्ट रिजोल्यूटली रिफ्यूज टू बी लेड बाय पीपल, मतलब जो मासेस को लीड करते हैं, ठीक है, उनको उनको लोगों के द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो हम थोड़ा सा कुछ अलग बात बोल रहे हैं, लेकिन सेकेंड और थर्ड यहाँ पर आपका सही है। इन्फ्लुएंस रिटेनिंग द मीडियाज एबिलिटी टू क्वेश्चन,
मीडिया की एबिलिटी को रिटेन करना, देखिए मीडिया क्या करता है, क्वेश्चनिंग करता है मीडिया, तो मीडिया की एबिलिटी जो है क्वेश्चन करने की, उसको हम कैसे रिटेन करें, ये एक इन्फ्लुएंस है। और ये कहाँ से निकल सकता है, इसको हम देखते हैं। सम सिचुएशंस डू जनरेट प्रेशर ऑन मीडिया टू डिविएट फ्रॉम कोर वैल्यूज ऑफ जर्नलिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम टू डेयर द अथॉरिटी, बट इट्स ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस नॉट टू लूज ग्राउंड। ठीक है, आप अथॉरिटी को डेयर कर सकते हैं, आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि अपना ग्राउंड आप लूज ना करें। यहाँ से कंक्लूजन निकल सकता है, मीडिया एक्ट्स एज वॉच डॉग टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसमें हम मीडिया को एक वॉच डॉग की तरह बता रहे हैं। इफ जर्नलिज्म इज टू सर्वाइव एंड सर्व द पब्लिक गुड, इट शुड मेंटेन इट्स क्रिटिकल डिस्टेंस। नहीं, इसमें भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसमें भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट। ठीक है, इसका आंसर होगा थर्ड। इस तरीके से इनके आंसर्स आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, कंप्यूटर एंड इंफीरियर ह्यूमंस ऑफ शूट। कंप्यूटर को एक ह्यूमन का एक ब्रांच बोला गया है इसमें, और ह्यूमन का एक पार्ट बोला गया है, लेकिन वो ह्यूमन से इन्फीरियर है। ह्यूमन से इन्फीरियर क्यों है, यदि आप लॉजिकली सोचें तो देखिए, ह्यूमन के पास दोनों चीज़ें हैं, माइंड भी है और हार्ट भी है, लेकिन कंप्यूटर के पास केवल माइंड है, हार्ट नहीं है। तो इस सेंस में कंप्यूटर ह्यूमन से इन्फीरियर है। द इन्वेंशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, वॉरशिप्स, स्पेस शिप्स हैव बीन मेड पॉसिबल विद द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। नहीं, इसमें तो ये बताया गया है कि इन सारे डिस्ट्रक्टिव जितने भी ये वेपन्स हैं, इनको कंप्यूटर की मदद से बनाया जा सकता है। द इन्वेंशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, वॉरशिप्स, स्पेस शिप्स हैव बीन मेड पॉसिबल विद द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स दे हैव बीन डेवलप्ड। द इन्वेंशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, वॉरशिप, स्पेस शिप्स हैव बीन मेड पॉसिबल विद द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ की बात नहीं की गई है कि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन से इन्फीरियर है। इसमें कंप्यूटर के एक दूसरे एस्पेक्ट की बात की गई है। इसमें हम देखते हैं, कंप्यूटर इज डिवाइस हैविंग नो फीलिंग्स। देखिए, इसमें वो बात की गई है जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की थी कि कंप्यूटर के अंदर माइंड तो है लेकिन फीलिंग्स नहीं है। तो इसलिए ये इस पैराग्राफ के थ्रू ये कहना कि इन्फीरियर के कंप्यूटर इज ए इन्फीरियर ह्यूमन ऑफ शूट, ये यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं। ऑल दो मैन हैज सक्सीडेड इन बिल्डिंग अ मेमोरी फॉर द कंप्यूटर, बट नो कंप्यूटर पजेसेस द इक्विवेलेंट ऑफ ए ह्यूमन हार्ट। इसमें भी वही बात की गई है। तो सेकेंड और थर्ड के थ्रू आप कंक्लूड कर सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इन्फीरियर ह्यूमन ऑफ शूट। तो सेकेंड और थर्ड इसमें आपका आंसर होगा, फोर इसमें आपका आंसर होगा, फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, हाई वोटर टर्नआउट अ सिग्निफिकेंट इंडिकेटर। हाई वोटर टर्नआउट मतलब जिसमें काफी ज्यादा लोग वोट देने जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाई वोटर टर्नआउट। और हाई वोटर टर्नआउट जो है वो एक सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है डेमोक्रेसी के लिए। तो ये इन्फिडेंस है। अब हम आगे देखते हैं इसमें, द आर्ग्यूमेंट इज दैट एंटी इनकमवेंसी विच यूजुअली मैनिफेस्ट इट सेल्फ एज एंगर अमंग वोटर्स इनकरेजेस मोर पीपल टू कास्ट वोट्स। एंटी इनकमवेंसी का जब वेव एक आती है जिसमें लोग चाहते हैं कि जो जो पावर में बैठा हुआ है उसको हटना चाहिए, उसको हम बोलते हैं एंटी इनकमबेंसी। तो एंटी इनकमबेंसी की वजह से एक जब लोगों में डिससेटिस्फेक्शन होता है या गुस्सा होता है, तो उसकी वजह से एक एंटी इनकमबेंसी की भावना लोगों के अंदर आ जाती है। तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसमें हम हाई वोटर टर्नआउट की बात कर रहे हैं। अ हाई वोटर टर्नआउट इज इंडिकेटिव ऑफ द वाइटिलिटी ऑफ द डेमोक्रेसी। ये सही है, वाइटिलिटी भी एक पॉजिटिव वर्ड है, सिग्निफिकेंट भी एक पॉजिटिव वर्ड है। इन ए ट्रू डेमोक्रेसी द डिजायर ऑफ द होल इज टेकन इन टू अकाउंट वेन ऑल वोटर्स शो अप, इट इज सेफ टू से दैट द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन वर लेजिटिमेट। ठीक है, जब सारे सारे वोटर्स वहां पर आते हैं, शो अप का मतलब अराइव, जब वहां पर आते हैं तो एक ये माना जाता है कि एक लेजिटिमेट इलेक्शन का ये साइन है, एक सिग्निफिकेंट साइन है। तो इसमें भी आपका सेकेंड और थर्ड आपका आंसर होगा, यानी सेकेंड इसमें आपका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राइजिंग वाइट सुप्रीमेसी। वाइट सुप्रीमेसी क्या है? वाइट सुप्रीमेसी का मतलब है कि ब्लैक ऑन वाइट का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे यूएस में वाइट लोग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं या उनको माना जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं राइजिंग वाइट सुप्रीमेसी, के वाइट सुप्रीमेसी जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, वाइट सुप्रीमेसीज अपोनेंट्स इवोक इट टू कंडेम। देखिए, वाइट सुप्रीमेसीज अपोनेंट्स इवोक इट टू कंडेम, इस सेंटेंस के द्वारा ये बोला जा रहा है कि वाइट सुप्रीमेसी के जो अपोनेंट्स हैं वो इसको कंडेम करते हैं, इसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये सेंटेंस सही है, यानी इसका इन्फ्लुएंस ही हो सकता है। इफ द हायरार्की ऑफ रेसेस वर रियल इट वुड इजीली हैव सर्वाइव स्लेव इमेंसिपेशन। यदि सारी रेसेस बराबर होती, यदि सारी रेसेस को हम इक्वली ट्रीट करते, तो स्लेव इमेंसिपेशन से हम छुटकारा पा सकते थे। ठीक है, स्लेव यानी गुलाम, गुलामी से हम छुटकारा पा सकते थे। इसमें तो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात बोली गई है। इसमें हम देखते हैं, वाइट सुप्रीमेसी कनोट्स मैनी ग्रिम एंड टेरिफाइंग थिंग्स इंक्लूडिंग इनइक्वलिटी, एक्सक्लूजन, इनजस्टिस एंड स्टेट एंड विजिलेंट वायलेंस। देखिए, इसमें एक विजिलेंट वायलेंस की बात की गई है, यानी वाइट सुप्रीमेसी की वजह से, वाइट सुप्रीमेसी मतलब बढ़ रही है। तो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड इसमें आपके सही हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा फोर्थ। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपका आपका रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीडिंग फास्ट होनी चाहिए, और आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, और एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। तो ये तीनों ही चीज़ें इस तरह के क्वेश्चंस में चेक की जाती हैं, और बैंकिंग एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस इज ए मिसनोमर। देखिए, मिसनोमर क्या है? मिसनोमर मतलब किसी चीज़ को रॉन्गली, किसी चीज़ का गलत नाम रख देना या उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करना। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मिसनोमर। और क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ये एक्चुअली न्यूक्लियर पॉलिसी में अप्लाई होती है। पाकिस्तान ने इस फिलॉसफी को अडॉप्ट किया है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो केवल अपने पास उतने ही न्यूक्लियर वेपन रखेगा जितने से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो न्यूक्लियर रेस में शामिल नहीं होगा। तो हो सकता है ये चीज़ गलत हो, इसलिए इसको यहाँ पर मिसनोमर बोला गया है। डेवलपमेंट ऑफ एवरी मिलिट्री आर्सेनल एंड कैपेबिलिटी जस्टिफाइड बाई पुटिंग फोर्थ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरेंस, बट इंस्टेड ऑफ डिटरिंग। देखिए, यहाँ पर ये बोला गया है, यहाँ पर ये बताया गया है कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस जो है ये गलत है। यहाँ पर ये बताया गया है कि डिटरेंस के लिए होता है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, बट इंस्टेड ऑफ डिटरिंग इट ओनली सेट नेशंस टूवर्ड एन आर्म्स रेस वेयर दे ट्राई टू आउटडू ईच अदर। मतलब इसके इसके इसकी अपेक्षा वो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस को अडॉप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को आउटडू करने की कोशिश करते हैं। तो ये एकदम सही है। यहाँ पर देखते हैं, गिविन द स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड हैवक कंटेम्प्रेरी वेपन्स कैन ब्रिंग, कंट्रीज आर कॉशसली ट्रेडिंग द पाथ ऑफ आर्म डेवलपमेंट। देखिए, कंट्रीज को पता है कि इन इन वेपन से कितने हाई लेवल पर डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इसलिए कंट्रीज काफ़ी कॉशस हैं आर्म डेवलपमेंट के पाथ पर चलने के लिए। वो आर्म डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं, वो उसको डेवलप नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि इससे बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये एक अलग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट बाय अल्फ्रेड नोबेल इट वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड दैट स्टेट वुड स्टॉप डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एज कंट्रीज कुड म्यूचुअली एनिहिलेट ईच अदर विद इन सेकेंड्स, बट नेशंस नेवर स्टॉप। देखिए, इसमें भी वही बात की गई है कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस को काफ़ी लोगों ने अपनाया है, काफ़ी सिटीज़ ने अपनाया है, लेकिन वो स्टॉप नहीं करते, वो न्यूक्लियर वेपन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाते जाते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड इसमें आपके लॉजिकल इन्फेरेंस हो सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड किस में दिया है? फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट में दिया है, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एवरी वन कॉन्ट्रीब्यूट्स इक्वली टू ट्रैफिक वोज। देखिए, ट्रैफिक की जो परेशानियां हैं, ट्रैफिक कंजेशन है और ट्रैफिक में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, इसके लिए हर कोई कंट्रीब्यूट करता है। ये एक एक किसी व्यक्ति की अकेली की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अ थ्राइविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द हॉलमार्क ऑफ ऑल ओवर सिटीज एंड बसलिंग मेट्रोपोलिस, इनफैक्ट ए वेल डेवलप्ड
मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज वन ऑफ, नहीं ये नहीं है, इट इज नॉट जस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पुअर ट्रैफिक स्टैंडर्ड बट द कॉमन मासेस। इसमें ये बात बोली गई है कि ट्रैफिक वो जो है वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन की गलती नहीं है, वो मासेस का भी उसमें रोल है। इसमें बोला गया है, सही है ये, इट इज़ ऑलरेडी अ ह्यूज चैलेंज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास रोड्स ड्यू टू द शीयर मैग्नीट्यूड। टू एड टू इट, इंडिया हैज़ टू स्पेंड ऑलमोस्ट अराउंड 20,000 to 30,000 crore ऑन द मेंटेनेंस ऑफ रोड एवरी ईयर। ये भी नहीं है, इसमें केवल सेकेंड सही है, इसमें आपका आंसर होगा थर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हैं, और आपका कोई भी फीडबैक है, आपका कोई भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सही लगा है या गलत लगा है या जैसा भी लगा है, तो उसका उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, और किस तरह के क्वेश्चंस आप इस चैनल पर आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, ताकि हम उस तरह के वीडियोस आपके लिए बना सकें, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए और एसएससी एग्जाम्स के लिए। और कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि मुझे एक आइडिया लगे कि किस तरह की स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।